You are watching Poonch Live. आदम नाजिर सर, मैं खड़ा हूं क्रॉसिंग पॉइंट चकंदाबाग पूंछ में और आपको बताता चलूं, कल पाकिस्तान के रहने वाले दो शख्स गलती से LOC क्रॉस करके इंडियन साइड में दाखिल हो गए थे, जिन्हें इंडियन आर्मी ने अपनी हिरासत में लिया था। और जब उनसे पूछताछ की गई और पता चला कि दोनों बाप बेटे थे, जिसमें बेटे का नाम मोहम्मद अब्बास बताया जा रहा है और बाप का नाम अब्दुल हमीद है, और ये पाकिस्तान पुलिस एरिया के रहने वाले थे। आज चकंदाबाग क्रॉसिंग पॉइंट से इंडियन आर्मी ने मैजिस्ट्रेट अख्तर अब्बास और SHO पुंछ रंजीत राव की मौजूदगी में इन दोनों बाप बेटों को उनके वतन वापस भेजा। आज तकरीबन 6:10 पर क्रॉसिंग जो यहां पर गेट है उसको खोला गया था और 6:25 पर जो है गेट वापस से बंद किया गया। आज जो दोनों बाप बेटे थे उनको चकंदाबाग के रास्ते उनको अपने वतन वापस भेजा गया। आप देखते रहे पूंछ लाइव। अख्तर अब्बास मीर, नायब तहसीलदार गुलपुर। कल दो आदमी जो थे सरहद अबूर करके हमारे एरिया में दाखिल हुए थे, उनको आर्मी ने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करके आज जो है उनको वतन वापस जो है भेज दिया गया है। तकरीबन 6:10 शाम को जो है गेट खुला और 6:25 पे हमने उनको वापस करके तो गेट बंद किया है और हम उनको अपने जो उनके मुल्की अहलकार थे उनके हवाले करके वापस आ रहे हैं। सर, ये दोनों बाप बेटे थे? हाँ, ये दोनों बाप बेटा था, एक का नाम मोहम्मद अब्बास था और दूसरे का नाम अब्दुल हमीद था। रहने वाले कहाँ के थे सर? ये पोलस के POK के रहने वाले थे।